टीजीटी फिजिक्स बैच में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार अल्टरनेटिवली वो क्लासेस देख रहे थे जिन क्लासेस में हमने रिवीजन बैच की बात करी थी। हमारा रिवीजन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उन टॉपिक्स पर, हालांकि वो कोई बहुत इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल आ जाता है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे किसी अवसर को समय रहते न जाने दें जिन्हें हम कवर कर सकते हों। तो आइए आज हम वेव मोशन की शुरुआत करते हैं। वेव मोशन में जो पिछली बार एक क्वेश्चन देखा गया था वो था कंपन और दोलन से, और मोस्टली SHM पढ़ने के बाद हमारे जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो कंपन एवं दोलन से ही होती है। तो आइए कंपन और दोलन हम प्रारंभ करते हैं। कंपन और दोलन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो ज़रूर। कंपन एवं दोलन अध्याय का नाम है वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस। अगर हम एक मिनट की चर्चा आपसे ये करना चाहें, यद्यपि ये आपके विषयांतर में है, लेकिन फिर भी अगर आपसे हम ये चर्चा करना चाहें कि कंपन और दोलन में फर्क क्या है, तो स्वविवेक के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर दोलनों का आयाम बहुत छोटा हो जाए तो हम उसे कंपन की श्रेणी में ला सकते हैं। इसीलिए हम जब कभी भी वाइब्रेशंस पढ़ते हैं तो ऑसिलेशंस पढ़ते हैं, ऑसिलेशंस पढ़ते हैं तो वाइब्रेशंस पढ़ते हैं। जो चीज़ यूं करती हुई जा रही है उसी को अगर बहुत माइन्यूट एम्पलीट्यूड में केवल चला दें, बहुत छोटे आयाम में अगर चला दें, बस इतना थोड़ा सा जा पाए, तो उसे ही हम आपको कह देंगे, हम लोग कह देंगे कि नहीं वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस में कोई खास विभेद नहीं है। लगभग लगभग सारी क्वांटिटीज़ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब वैसी ही हमें पढ़नी होती हैं। जब हम कंपन और दोलनों की बात करते हैं तो हम कंपनों को कुछ भागों में बांटते हैं, कंपनों को हम कुछ भागों में बांटते हैं। तो वहीं से पिछली बार का एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन से दोलन के प्रकार हैं। तो एक तो अगर हम दोलन को बांटें तो दोलन को हम तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है मुक्त दोलन, मुक्त दोलन को हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। अगर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हमें माफ़ करिएगा। दूसरा हमारा होता है अवमंदित दोलन, इसे हम लोग डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, डैम्पिंग या डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। और तीसरा है हमारा प्रणोदित दोलन को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। मुक्त दोलन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग का एक माइंडसेट हमें अलाउ करता है कि मुक्त दोलन का मतलब है ऐसे दोलन जिनमें कोई बाहरी एक्टिविटी ना हो, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल काम ना कर रहा हो, उसे हम कहेंगे मुक्त दोलन। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। और नाम जो फिजिक्स के नाम या किसी भी विज्ञान के नाम है वो उनमें कोई ना कोई राज होता है, वो उनका ऐसे ही मतलब नॉर्मली उनका कोई नाम नहीं होगा कि बस कुछ भी रख लिया,
उनके नाम के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होगा, जैसे उन्होंने लिखा मुक्त दोलन फ्री ऑसिलेशंस, तो इसका मतलब देर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स टू कंट्रोल द ऑसिलेशंस, वहां पर कोई बाहरी बल नहीं है उन ऑसिलेशंस को कंट्रोल करने के लिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब जरा इमेजिन करिए कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। न्यूटन कहते हैं कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी, अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कोई बाह्य और प्रभावी बल ना लगाया जाए। ये प्रभावी बल हम इसलिए जोड़ दिए हैं क्योंकि ये थ्योरी में जुड़ा नहीं है पुस्तकों में, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने कमरे की दीवार में पूरे रात भर बल लगाइए भाई, तो गिर जाएगी दीवार, नहीं गिरेगी, क्योंकि आपका बल प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो मुक्त दोलन वो दोलन होते हैं जिन दोलनों में कोई भी बाहरी बल काम नहीं करता है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अवेलेबल इन द पोजीशन ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। अब आप इसको जरा समझना, तब तक हम आपके दूसरे विचार को आमंत्रण देते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी फ्री ऑसिलेशन कर रही है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे अब मान लीजिए आप किसी बच्चे को झूला झूला रहे हैं या किसी झूले को आपने स्विंग कर दिया, थोड़ा सा प्ले कर दिया, आप कैसी कल्पना करते हैं अपने दिमाग में, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कैसी कल्पना करते हैं, झूले को चलते चलते रुक जाना चाहिए या इन्फिनाइट टाइम तक उस झूले को चलते रहना चाहिए? तो शायद आपके दिमाग में प्रथम दृष्टया ये बात आ रही होगी कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो झूले को रुकने का क्या मतलब है भाई, अगर कोई रुक रहा है तो इसका मतलब कोई रोकने का प्रयास कर रहा है। इसमें जो छुपा हुआ फिलॉसफी है, जो छुपा हुआ दर्शन है, वो इतना ही है कि भाई अगर कोई बॉडी चलते हुए रुक रही है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई रोक रहा है, ऐसे तो नहीं रुक रहा है। वायु का घर्षण बल जहाँ पर झूला जिस दृढ़ आधार से टिका हुआ है वहाँ पर घर्षण बल, यानी कोई ना कोई अवरोध बल क्रियाशील है। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर नेचर में फ्री ऑसिलेशंस का होना असंभव है, कहीं फ्री ऑसिलेशंस नहीं है? ऐसा नहीं है, फ्री ऑसिलेशंस भी संभव होते हैं। जैसे कभी कभी पुलों की अपनी निश्चित अपनी आवृत्ति होती है, मुक्त आवृत्ति होती है, उनका मुक्त दोलन होता है, फ्री ऑसिलेशन होता है। भवनों का अपना फ्री ऑसिलेशन होता है, घरों का, उनमें भी अपना वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में मुक्त दोलन संभव नहीं है, क्योंकि हवा का घर्षण होगा ही होगा और तमाम सारे अन्य अवरोध बल काम कर ही रहे हैं। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते कि नहीं, झूला लगातार चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, वो रुक जाएगा। लेकिन अगर रुक जाएगा तो मुक्त दोलन कहने से हम बचेंगे, क्योंकि मुक्त दोलन का अर्थ है कि जिस पर कोई बाहरी बल असर न डाल रहा हो, एक बार जिसको जैसा चला के छोड़ दिया परमानेंट वो वैसे रहेगा। अब जरा आप सोचिए, अगर परमानेंट वो वैसा ही रहेगा तो क्या उसका आयाम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो अगला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, आयाम कांस्टेंट रहेगा, आयाम कांस्टेंट रहेगा। सब लोग आयाम जानते होंगे। आप यूँ समझ लो कि जब आप बचपन में झूला झूलते थे तो एक तरफ झूला जितनी दूर जा सकता था उसे आयाम कहते थे। ये वाई है,
मान लो झूला यहाँ पे इतना जा सकता है इधर, इतना जा सकता है इधर, नीचे और ऊपर। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी एक तरफ का, इसे हम आयाम कहते हैं। ये बराबर होगा हर जगह और इन्फिनाइट टाइम तक बराबर ही रहेगा। भाई जब इसे कोई रोक ही नहीं रहा है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आयाम कांस्टेंट रहेगा, कोई यहाँ पर विरोधी बल काम नहीं कर रहा है या कोई सपोर्टिव फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, तो यह भी तय है कि इसकी एनर्जी ना घटनी चाहिए और ना बढ़नी चाहिए। तो एनर्जी ना घटेगी और ना बढ़ेगी, एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी परमानेंट ऐसी ही बनी रहेगी फॉर इन्फिनाइट टाइम, फॉर इन्फिनाइट टाइम, अनंत समय तक ऐसी ही बनी रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमारे ऊपर कोई क्षयकारी बल ना काम करें तो हम अनंत काल तक ऐसे ही बने रहेंगे हम सभी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर किसी बॉडी को, जैसे जहाँ कोई एटमॉस्फियर नहीं है, अगर हम मून की बात कर लें तो मून में जिसको जैसे चला के छोड़ दिया गया है वो वैसे ही बना हुआ है, उसमें कोई क्षय नहीं हो रहा है। तो ये वही बात है, इसे हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। तो आई थिंक आप सभी को फ्री ऑसिलेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डैम्पिंग ऑसिलेशन की, जिसे हम कहते हैं अवमंदित दोलन। अच्छा एक बात आप हाँ, और आप लोग समझ लीजिए, आप लोग जो वेव मोशन पढ़ते हैं जिसमें आप सुरंग तथा गर्त बनाते हैं, संपीडन विरलन यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हैं, सुरंग गर्त यानी क्रेस्ट एंड ट्रो बनाते हैं, वो सब मुक्त स्थिति के ही उदाहरण हैं। लेकिन जरा विचार करके देखिए, क्या मुक्त स्थिति के उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में लागू हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम एक झूले को चलाकर छोड़ दें और वो हमेशा चलता रहे? नहीं लागू है। अगर ये चीज़ें लागू नहीं हैं तो फिर डेफिनेटली हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास ज़रूर करेंगे जो चीज़ें हमारी प्रकृति में लागू हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे अपने जीवन से जुड़ी फिजिक्स को देखते हैं वैसे वैसे फिजिक्स का कॉम्प्लिकेशन या केमिस्ट्री का कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है, कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है। जब हम बहुत सैद्धांतिक बातों की बात करते हैं तो फिजिक्स सरल होती है, जब उन्हीं सैद्धांतिक में हम अपने जीवन को जोड़ते हैं तो फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री या कोई भी विषय, दर्शन हो या इतिहास, वो टफ होता चला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग झूला चला के छोड़ते हैं, साइकिल चला के, टायर चला के, स्टैंड पे साइकिल लगाई, टायर चला के छोड़ दिया, बचपन में हम लोग करते थे, थोड़ी देर बाद हमने देखा साइकिल का पहिया रुक गया। यानी हम हर जगह देख रहे हैं कि कोई ना कोई विरोध, कोई ना कोई अपोज काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप जीवन की फिलॉसफी से इसको जोड़ के देख लें, चूँकि मैं शौकीन हूँ इस बात का कि फिजिक्स टच हो कहीं से, अगर आपके भी अंदर ऐसा कोई कौतूहल उठ रहा है तो उसे रोकिए मत, उस वेग को आने दीजिए और सोचिए कि हमारे जीवन में ऐसी तमाम परिस्थितियां संभव हैं। हम अपनी लाइफ में इस तरह के स्ट्रगल्स को फेस करते ही करते हैं। तो हम देखते क्या हैं कि झूला चला के छोड़ दिया, झूला चला, थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे ऐसे आता हुआ, ऐसे आता हुआ, फिर रुक गया। इसका मतलब है कि एनी एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट देयर विच इज कंटिन्यूअसली अपोजिंग टू अवर ऑसिलेशंस। आर यू कैन से दैट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कंट्रोलिंग टू आवर मोशन। कोई बाहरी बल हमारी मोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो बल जो है वो भी पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन बदल रही है एक आवर्त रूप में। और इसके फलस्वरूप हो क्या रहा है? फलस्वरूप हमारा जो झूला है वो धीरे 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 रुकता जा रहा है, यानी उसका आयाम फिक्स नहीं है। पहली दफ़ा झूला जितना ऊपर गया था, दूसरी बार थोड़ा और कम जाएगा, तीसरी बार और कम जाएगा, अगर कोई बाहर से ताकत लगा के नहीं झूला रहा है, बस एक बार किसी ने चला के छोड़ दिया है, तो अब धीरे धीरे उसे रुक ही जाना है।
इसका मतलब ये हो गया कि उस बाहरी बल के प्रभाव के कारण आयाम धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो ऐसे दोलन जिसमें किसी बाह्य अवरोध बल के कारण, किसी एक्सटर्नल रजिस्टिव फोर्स के कारण एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाती है, ऐसे ऑसिलेशंस को हम डैम्पिंग और डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। डैम्पिंग एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस बहुत सारे हैं। हारमोनियम बजा के एक बटन प्ले करिए, छोड़ दीजिए, थोड़ी देर साउंड आएगा, बंद हो जाएगा। साइकिल में आपने, आपकी साइकिल जब हम लोगों ने बचपन में चलाई तो घंटी एक लगी होती थी, उस घंटी को बजाइए, थोड़ी देर आवाज आएगी, शांत हो जाएगी। वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड बट आफ्टर सम टाइम दे आर स्टॉप्ड, वो रोक दिए जाते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स के कारण। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति में है, जो हमारी डेली लाइफ में है, वो इसी तरह की चीज़ें हैं, वो रजिस्टिव फोर्स वर्क ही कर रहा है। तो जब कोई एक्सटर्नल रजिस्टेंस फोर्स के कारण हमारे जो दोलन रुकते हैं, बाधित होते हैं, या जिस तरह के दोलन उस बल की उपस्थिति में होते हैं, उन दोलनों को हम कहते हैं अवमंदित दोलन, वो लगातार मंदित होते चले जाते हैं, उनका आयाम घटता चला जाता है। तो अब हम इसमें बात कर रहे थे अवमंदित दोलनों में। ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, ये पॉइंट ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अब हम अवमंदित दोलन की बात करेंगे, जिन्हें हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ये जो ऑसिलेशंस होते हैं, इन ऑसिलेशंस में कोई बाहरी अवरोध बल कार्य करता है, बाहरी अवरोधी बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स कोई वर्क करता है, रेजिस्टिव फोर्स, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स लाइक घर्षण बल, जिसे आप इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं, श्यान बल जिसे आप इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं, ये वर्क करते हैं। इसमें होगा क्या, आप बताइए, आयाम घटेगा या सामान्य रहेगा या बढ़ेगा? आयाम घटेगा, और घटता कैसा है? चरघातांकी रूप से। चरघातांकी रूप का अर्थ क्या हुआ? चरघातांकी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक प्रॉपर रूल में नहीं कि आप जैसा डिसाइड करें कि नहीं, इस बार दो कम हुआ है, फिर अगली बार दो कम होगा, फिर अगली बार दो कम होगा, नहीं। चरघातांकी का मतलब है, हो सकता है अचानक चार गुना कम हो गया। एक्सपोनेंशियली का मतलब ई की पावर्स पर वो इक्वेशन बनेंगी डैम्प ऑसिलेशंस की, तो वो कहलाते हैं डैम्प ऑसिलेशंस। यानी समझ में आ गया, मुक्त दोलनों में कोई बाहरी बल नहीं है, एनर्जी परमानेंट फिक्स रहती है, आयाम परमानेंट फिक्स रहता है यानी एम्पलीट्यूड। डैम्प ऑसिलेशन में कोई बाहरी अवरोध बल कार्य कर रहा है, आयाम लगातार घटते चले जाते हैं, जिससे एनर्जी भी घटती चली जाती है, और ये घटना होती है बाहरी अवरोध बलों की उपस्थिति के कारण, जो हमारे लाइफ में ज़्यादातर में यही उदाहरण प्रस्तुत है। ऐसे आप देख सकते, और ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, पूछ सकता है कि ये किस प्रकार के दोलन का उदाहरण है। संभवतः जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, यही सवाल आया हुआ था पिछली बार। इसे हम बोलते हैं अवमंदित दोलन, ठीक है, डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन का मतलब वो ऑसिलेशन है जिसका एम्पलीट्यूड लगातार घटता जा रहा है। तीसरी उपस्थिति की या तीसरे प्रकार के दोलन की हम अब उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई इस दुनिया में डैम्पिंग क्रिएट कर रहा है, यानी कोई अपोजिशन में है तो कोई सपोर्ट में भी है, कोई ऐसा भी फोर्स हो सकता है जो सपोर्ट में हो,
लेकिन सपोर्ट में होने की भी हमारी लाइफ में दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन वो है जो हम अपने घर के छोटे बच्चों पर अप्लाई करते हैं ज़्यादातर, क्या है, हम चाहते हैं कि ये बच्चा ये बन जाए फिर वही बने वो। बच्चा क्या बनना चाहता है इससे हमारा मतलब थोड़ा कम होता है व्यवहार में, सैद्धांतिक रूप से अलग बात है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं तो ये दो तरीके का होगा। तो हम सबसे पहले उस एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे जो हमारी नेचर में ज़्यादा है, हम लोगों के स्वभाव में रचा बसा हुआ है, वो ये है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को आईएएस ही बनाएंगे, वो कितना भी ब्रिलियंट हो फिजिक्स में मैथमेटिक्स में, उसको केमिस्ट्री बहुत आती हो, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ा इंजीनियर बनेगा, कंपनी खड़ा करेगा, नहीं, वो ना आईएएस ही बनाना है। ये जो है इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना फोर्स उस पर ओवरलैप कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं बच्चा अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को छोड़ दे, जो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति है, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसे छोड़ दे और हमारी वाली रिसीव कर ले, हमारी वाली फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करना शुरू करे, उसके नेचुरल वाइब्रेशंस खत्म हो जाएं। तो अगर उसके नेचुरल वाइब्रेशंस खत्म हो जाते हैं और हमारे वाइब्रेशंस उस पर ओवरलैप हो जाएं, तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, प्रणोदित दोलन कहते हैं। आप शब्द को देखिए कितना गजब का शब्द इंग्लिश वालों ने दिया है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, जबरदस्ती जो ऑसिलेशंस क्रिएट किए गए हैं। द बॉडी ऑन विच यू आर अप्लाइंग दैट टाइप ऑफ फोर्स, बॉडी डज नॉट वॉन्ट टू एग्जिस्ट दिस, बॉडी डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस। दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, दैट पर्टिकुलर बॉय डू नॉट डज डू और डज यू कैन से इन अ प्लूरल और सिंगुलर डज नॉट वॉन्ट टू अप्लाई डज नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट बट यू वॉन्ट। हम चाहते हैं कि हमारे घर का छोटा वाला बच्चा इस बार, मतलब जो ग्रेजुएशन पास करके वो आईएएस वाईएएस हो जाए, वो चाहता है कि हम डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, बट हमारी अपनी निजी फ्रिक्वेंसी। तो जब कोई बाहरी बल किसी वस्तु पर, जो वस्तु ऑलरेडी वाइब्रेशन में है, बाहरी बल अपनी वाइब्रेशंस क्रिएट कराना चाहे, तो ऐसे वाइब्रेशन को, ऐसे दोलन को हम प्रणोदित दोलन कहते हैं। ये बात हम लिख रहे हैं, आप देख लीजिए। यदि ऑसिलेशन कर रही, दोलन कर रही किसी वस्तु पर कोई बाहरी आवर्त बल जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपनी फ्रीक्वेंसी आरोपित कर दे, तो ऐसे दोलन को फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है, इसमें ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी समाप्त हो जाती है। ओके, ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी समाप्त हो जाती है, इसे हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन।
डैम्प ऑसिलेशंस भी हम लोग क्रिएट, सॉरी डैम्प कह रहे हैं इसे, इसे हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और फोर्स्ड ऑसिलेशंस हम लोग क्रिएट करते हैं। बहुत बार हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है फिजिक्स में कि नहीं हम इतने दोलन क्रिएट करें। जैसे हारमोनियम में ही आप समझिए, आप फोर्स ऑसिलेशन क्रिएट करते हैं, आपको जिस स्वर की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है आप वही स्वर क्रिएट करेंगे, ये फोर्स ऑसिलेशन है। फोर्स ऑसिलेशन हमारे रेडियो में है, आपको जिस तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है आप वही रेडियो के स्टेशन मिला देंगे। हालांकि यहाँ पर रेडियो का उदाहरण देना ठीक नहीं होगा क्योंकि रेडियो अनुनाद का विषय है, सो प्लीज़ इससे आप मैच मत करना उसे। रेडियो का समस्वरण अनुनाद की स्थिति में होता है, जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। तो ये हमारा हो गया प्ररोदित दोलन, जिसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी आरोपित कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, वो लैप्स कर रही है। एक दूसरी परिस्थिति पर भी विचार करिए, जिस परिस्थिति में हम चाहते हैं कि नहीं मेरे घर का जो छोटा बच्चा है वो जो बनना चाहता है हम उसमें उसका सपोर्ट कर देंगे पॉजिटिवली। और मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति जन्म से आतंकवादी बनना नहीं चाहेगा, तो वो उस एटमॉस्फेयर में पलते पलते अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसके मन में ख्वाब है कि नहीं वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो हम उसमें सपोर्ट कर दें। एक मैच्योर स्टेज में जो वो डिसीजन लेगा उसमें हम सपोर्ट कर दें। तो एक ऐसा भी फोर्स आता है जो फोर्स ऑब्जेक्ट जिस फ्रीक्वेंसी से वर्क कर रही हो वह भी उसी फ्रीक्वेंसी का आ जाए, दोनों मैच हो जाएं, दोनों का पैचअप हो जाए, इसे कहते हैं मतलब हार्मोनिक कंडीशन में आना, इसे कहते हैं रिदमिक कंडीशन में आना, लय ताल का एक हो जाना। जिस फ्रीक्वेंसी से ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है कोई वस्तु, उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता हुआ कोई फोर्स उस पर लगा दिया जाए, इसे कहते हैं अनुनाद। प्ररोदित दोलन क्रिएट करने के कई उदाहरण हैं, जिनमें एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है मेल्डी का प्रयोग। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेल्डी का जो प्रयोग है, मेल्डी का प्रयोग वो प्ररोदित दोलन उत्पन्न करने के लिए है। प्ररोदित दोलन उन्होंने कॉइल वॉइल लेकर के उत्पन्न किया था, दोलन उत्पन्न करने के लिए है मेल्डी का प्रयोग। ठीक है, मेल्डी का प्रयोग प्ररोदित दोलन उत्पन्न करने के लिए है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। मेल्डी का प्रयोग आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेल्डी के प्रयोग से क्या करते हैं, प्ररोदित दोलन मतलब फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्रिएट करते हैं। अब हम अगली बात पे बात कर रहे थे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसा भी फोर्स आ सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी वही हो जो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है, और वो मिल जाए तो वो स्थिति कहलाती है अनुनाद की स्थिति। कब होता है अनुनाद आपसे अगर कोई पूछे, तो हम कहेंगे कि अनुनाद तब होता है जब जिस फ्रीक्वेंसी की ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रही है उसी फ्रीक्वेंसी का उसमें फोर्स लग जाए, तो इसे अनुनाद की स्थिति बोलते हैं, इसे रेजोनेंस कहा जाता है। तो रेजोनेंस भी समझ लीजिए, रेजोनेंस का मतलब होता है जो बाहरी बल की फ्रीक्वेंसी हो, बाहरी बल की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए दोलन कर रही वस्तु की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आप लोग इसे अपने हिसाब से नोट कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बाहरी बल की फ्रीक्वेंसी बराबर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये होता है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस को उसकी तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक को हम कहते हैं शार्प रेजोनेंस और दूसरे को हम कहते हैं फ्लैट रेजोनेंस। आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, अब हम क्यों ही साफ करें बोर्ड को, इसी में काम हो जाएगा। शार्प रेजोनेंस और फ्लैट रेजोनेंस, इसको हिंदी में कहते हैं तीक्ष्ण अनुनाद और इसको हम बोलते हैं सपाट अनुनाद। तीक्ष्ण अनुनाद क्या है और शार्प
तीक्ष्ण अनुनाद क्या है और सपाट अनुनाद क्या है। तीक्ष्ण यानी बहुत तीखा टाइप का, बहुत तेज टाइप का। इसमें क्या है कि अगर आपने बाहरी वाला जो बल है, जो फोर्स लगा रहे हैं आप, यहाँ पर अनुनाद जब हो रहा है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इससे आप एग्री करते हैं। बाहरी जो बल लग रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हल्की सी बदलने पर दोलन बिल्कुल बहुत तेजी से घट जाए, अनुनाद बहुत तेजी से घट जाए, उसे तीक्ष्ण अनुनाद कहते हैं। तीक्ष्ण मतलब जिसे कहते हैं ना मिर्ची लग जाना, जरा सा कुछ चेंज हुआ बस आप तुरंत एंग्री पोजिशन में आ गए, यह है तीक्ष्ण अनुनाद। सपाट अनुनाद वो है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी हल्की सी चेंज कर देने पर भी ज्यादा बदलाव ना हो दोलनों में, इसे कहते हैं फ्लैट रेजोनेंस। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं आप सबको नए सिरे से नई तरीके से आप में ऊर्जा का संचरण करते हुए आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास को हम इसी से कंटिन्यू करेंगे, इसी की एक्सरसाइज करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में। क्लास देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।